नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एटीएम कार्ड का पिन आप एटीएम मशीन में जाके किस तरीके से सेट कर सकते हैं और कहां पर आप ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम मशीन में आपको ओटीपी कहां डालना है और आपके मोबाइल पर ओटीपी कैसे आएगा, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बड़ी ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको पूरी प्रोसेस का पता लग जाएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से नए एटीएम कार्ड का पिन आप सेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी लाइक भले ही मत कीजिए लेकिन एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाए और वीडियो आपको अच्छी लगे जिससे आप अपने एटीएम कार्ड का पिन अच्छी तरीके से सेट कर पाए, तो फिर प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचने के लिए पुश करता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बैंकिंग के अलावा और भी यूजफुल गवर्नमेंट ऐप्स और अलग अलग इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे आपको मिलेंगे। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम पिन सेट करने के लिए आपको बेसिकली तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका नया एटीएम कार्ड, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर। ये तीनों चीज़ें आप एटीएम में साथ लेके जाना। उसके बाद कुछ इस तरीके की आपकी होम स्क्रीन दिखेगी एटीएम की। आपको सबसे पहले अपना नया एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालना है, कुछ इस तरीके से पूरा आपको अंदर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन बींग प्रोसेस्ड आपको दिखाई देगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि एटीएम मशीन आपके एटीएम कार्ड को रीड करेगी। उसके बाद यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपका कार्ड डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल। 90% केसेस में डोमेस्टिक ही होगा तो आप डोमेस्टिक पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी मशीन टच है तो डायरेक्ट आपको टच कर देना है, और अगर टच नहीं है तो इसके सामने आपको बटन दिखाई देंगे, उन बटन्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे अब यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आपने जिस भी लैंग्वेज में आगे की प्रोसेस देखनी है वही लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे अगर मुझे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ से इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब इनमें सबसे नीचे ही आपको सेट रीजनरेट पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके ही आप अपना जो है फर्स्ट टाइम पिन सेट कर पाएंगे। क्लिक करते ही ये देखिए, अब यहाँ पर आपने अपना 14 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल देना है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो अकाउंट नंबर आप यहाँ से टाइप करके डाल देंगे, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है करेक्ट पर। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको री एंटर करना है वही अकाउंट नंबर जो अभी आपने पीछे एंटर किया था, उसके बाद आपको दोबारा से क्लिक कर देना है करेक्ट पर। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ना 10 डिजिट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने एटीएम या बैंक अकाउंट से लिंक करवा रखा है, उसी पर आपका ओटीपी आएगा, तो वो मोबाइल नंबर आप टाइप कर लेना और उसके बाद क्लिक कर देना करेक्ट पर। क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप अपने मोबाइल नंबर से देखकर यहां पर टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको दोबारा से क्लिक कर देना है करेक्ट पर। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने 4 डिजिट का जो है नया पिन टाइप कर देना जो भी आप सेट करना चाहते हैं। ये देखिए टाइप किया, टाइप करते ही ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। आपको दोबारा से एक बार पूछा जाएगा वही पिन जो आपने पीछे टाइप किया था, दोबारा से एक बार कंफर्मेशन के लिए टाइप कर देना है। और जैसे ही आप 4 डिजिट टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आपकी जो है ट्रांजेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होने लग जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये देखिए पिन चेंज सक्सेसफुली एक आपके सामने मैसेज आएगा, दैट मीन्स अब आपका जो है एटीएम कार्ड के लिए नया पिन सेट हो चुका है। उसके बाद अपने नए पिन का यूज़ करके आप अपने एटीएम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस बैंक के साथ साथ मैंने सभी बैंकों की अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन फर्स्ट टाइम आप कैसे सेट कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने उन सभी बैंक्स की वीडियो को डाल दिया है, हर एक बैंक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उनको वीडियो को देख सकते हैं। और जिस भी बैंक का आपका एटीएम है उसी बैंक की प्रोसेस को आप फॉलो कर पाएंगे, तो एक बार जरूर इस वीडियो को
देखिएगा। जाने से पहले एक बार और आपको याद दिला दूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।